Kanpur was called the Manchester of the East because of its flourishing industries. The city, once a bastion of British Empire, has a rich cultural history. But today, Kanpur is grappling with its very own challenges like pollution, industrial decline, and rapid urbanization. Kanpur is considered the leather hub of India. At one point of time, the city was flourishing with 400 tanneries here producing leather. Now, with a sharp decline in tanneries, there are around 150 to 200 left here. Inside Kanpur's Jajmao area, multiple tanneries throw up a pungent stomach-churning stench, but also provide employment to thousands of people. But in the last few years, many have shifted their business to Bengal and elsewhere after tighter pollution control norms. A big jump in the cost of tannery waste treatment and orders drying up. इन लोगों को थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मंदी चली है उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। अच्छा। अगर इसमें सरकार सहयोग दे या कोई बेल पैकेज दे सरकार तो ट्रेनियां चल सकती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट मिल जाए, कुछ सहयोग मिल जाए तो आज भी इंडस्ट्रीज चल सकती हैं और मतलब पॉल्यूशन के साथ और बिजनेस के साथ समन्वय बना करके चलाया जा सकता है। भारी संख्या में आप देख सकते हैं। द भारतीय जनता पार्टी वन कानपुर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 1991 लोकसभा इलेक्शन कोइंसाइडिंग विद द राम टेंपल मूवमेंट पीक। द कांग्रेस वन द सीट बिटवीन 1999 एंड 2014। इन 2014 बीजेपी स्टॉलवर्ट एमएम जोशी वन फ्रॉम कानपुर एंड द बीजेपी रिटेन्ड द सीट इन 2019 विद अ डिफरेंट कैंडिडेट। द पार्टी हैज चेंज्ड इट्स कैंडिडेट दिस टाइम टू। रमेश अवस्थी is a former journalist turned politician. मुझे लगता नहीं कि कहीं उनसे कोई मेरी टक्कर है और ये आज गठबंधन है। उसके बाद आगे आप हासिल देखें तो जनता ने मान लिया ये गठबंधन नहीं है, सिर्फ ठगबंधन है। मतलब हमको ठगने के लिए आ जाते हैं। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जनहित की योजनाएं हैं वो घर घर तक गई हैं। अगेंस्ट रमेश अवस्थी इज आलोक मिश्रा ऑफ द कांग्रेस, अ क्लोज एड ऑफ पार्टी वेटरन सलमान खुर्शीद। हवा इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। कानपुर में कांग्रेस बहुत ताकतवर है। 400 पार बिल्कुल सही बोल रही है। वो ये नहीं कह रही 400 सीटें पार, वो कह रही है 200 रुपए किलो जो अरहर की दाल बिक गई वो 400 पार, 200 रुपए लीटर जो कड़वा तेल बिक गया वो 400 पार। इन कानपुर कोचिंग हब काकादेव, पेपर लीक एंड लैक ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स आर अ बिग पोल इशू। प्रिपरेशन करते हैं, सब चीज करते हैं, जैसे ये बोल रहा था पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद पेपर लीक होने के बाद फिर कैंसिल हो जाता है, फिर नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आ रही है, ऐसे करते करते एक दो साल चले जाते हैं। उसके बाद फिर लड़कों बच्चों के लिए एज के लिए लड़ना पड़ता है कि हम लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सबसे ज्यादा दिक्कतें तो हम ही लोगों को हो रही हैं। रोली गुड़िया, वन ऑफ ओनली 126 थर्ड जेंडर वोटर्स इन कानपुर, वॉज अलॉटेड अ होम ड्यूरिंग मायावती टेन्योर एज यूपी चीफ मिनिस्टर बिटवीन 2007 एंड 2012, बट सेज दैट द रोड टू रियल एम्पावरमेंट हैज बीन लॉन्ग विंडेड। राजनीतिक पार्टी तो आज तक कोई है दे, हम लोगों के बारे में कुछ सोचा नहीं है। नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भाई, क्योंकि जब तक जैसे कि हमारा कोई पुरुष जीत रहा है, ठीक है, तो अपने पुरुषों के लिए वो ज़्यादा कार्य करता है। जैसे कि हमारी महिला जीत रही कोई, तो अपने महिलाओं के लिए सोचती है, तो हम लोग भी यही सोचते हैं कि जैसे हम किन्नर हैं तो अपने किन्नर समाज के लिए ही कुछ करें। बिफोर द 2014 इलेक्शंस द कांग्रेस वन कंटिन्यूअसली फॉर 3 टाइम्स, but in 2014 it was Murli Manohar Joshi who became the member of parliament from here, and in 2019 it was Sadhdev Pachauri. If the BJP manages to win one more time from Kanpur, it will be its hat trick. But if can Congress make any dent in the BJP's plans for hat trick, we will only know when the people will answer on 4th of June. With camera person Virendra Kumar Saini, Arun Asif and Tanish Punjabi for NDTV.